हेलो स्टूडेंट्स, मिस डॉक्टर नेहा वर्मा. वी आर डिस्कसिंग द पेंडिंग पार्ट ऑफ जेडीबीसी ओडीबीसी. नाउ वी आर डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल सेक्शन, द स्टेप ऑफ कनेक्टिंग जेडीबीसी ओडीबीसी, राइट. सो इसको समझने के लिए हमें कुछ छः सात स्टेप्स हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. वो कहता है फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड क्लास डॉट फॉर नेम. एक टर्मिनोलॉजी है, एपीआई है, जिसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा. दिस इज लोडिंग द ड्राइवर फर्स्ट. ठीक है, तो आप कैसे यूज करोगे? वी विल से क्लास डॉट फॉर नेम sun.jdbc odbc driver. Now ये क्या कह रहा है कि जो forename हमारा function है, method है, वो इस तरीके से लिखता है class dot forename, n capital c capital. ये provide, ये java apis हैं जो हमारे को java के program को database से connect करते हैं. और ये जो parameter अंदर दिया है jdbc odbc driver, ये वो drivers हैं. ठीक है, हमारे पास चार प्रकार के ड्राइवर अवेलेबल होते हैं. अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पेज पे ड्राइवर्स इन जावा है. ये पूरा का पूरा एक चार ड्राइवर्स होते हैं हमारे को जावा में अवेलेबल. हम उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं. तो ये वाला जो ड्राइवर है, दिस इज कॉल्ड टाइप वन ड्राइवर. तो हम सबसे पहले क्लास डॉट फॉर नेम लेकर ड्राइवर मेंशन करते हैं, फिर कनेक्शन मेकिंग करते हैं. कनेक्शन मेकिंग के लिए सी अंडरस्टैंड दिस सिंटेक्स. कनेक्शन डॉट कॉन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन जेडीबीसी ओडीबीसी टीएसएन नेम. नाउ देखो कनेक्शन डॉट कनेक्शन कौन, कनेक्शन इज अ क्लास, तो सी कैपिटल होगा. यहाँ क्लास कैपिटल डॉट फॉर नेम का एन कैपिटल, कनेक्शन का सी कैपिटल. कनेक्शन कौन, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर जो मेन सुपर क्लास थी. डॉट गेट कनेक्शन, अब गेट कनेक्शन किससे, जो हमारा जो भी हमारा ड्राइवर है उससे. डीएसएन क्या होता है, डीएसएन ये होता है जैसे कि हमारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, एमसीए बीसीए है ना. बीसीए में भी बहुत सारे ईयर्स थे, एमसीए में भी बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 2012 13 14 ऐसे करके बहुत सारे. तो कौन सा डेटा सोर्स चाहिए आपको, 2018 का चाहिए, 19 का चाहिए, तो आप स्पेसिफाई करोगे ना, क्योंकि पूरा बीसीए थोड़ा उठा लोगे आप. तो डेटा सोर्स ने मतलब पूरे बीसीए में से कौन सा ईयर, वो डीएसएन रिप्रेजेंट करेगा. तो कनेक्शन कौन, ये सेकेंड स्टेटमेंट होती है. इन्हें लर्न करते रहेंगे हम साथ साथ, फिर बनती है स्टेटमेंट. नाउ चेक, अभी ऊपर वाले चैप्टर में जब हमने ये देखो यहाँ किया था, तो हमने कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर ने कनेक्शन को यूज किया, कनेक्शन ने स्टेटमेंट को यूज किया. तो ड्राइवर मैनेजर से कनेक्शन से स्टेटमेंट, ऐसे चलता ये है रैकी. तो आप चेक करो, देखो यहाँ से हमने ड्राइवर मैनेजर सबसे पहले ले लिया था, यहाँ फिर कनेक्शन पे पहुंचे. ये कनेक्शन कौन इक्वल टू सी इक्वल टू न्यू कनेक्शन, नहीं ऐसे नहीं लिखना हमें, ये दिस इज द सिंटैक्स, ये ही एपीआई फॉर्मेट्स है. फिर उसके बाद कहता है स्टेटमेंट एसटीएमटी कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट. नाउ ये जो कौन है ना, ये यहाँ यूज हुआ है. ठीक है, क्योंकि हमारा डायग्राम कैसे जा रहा था, बॉटम टू टॉप. तो जो स्टेटमेंट है, याद करो कि कनेक्शन से हम कहाँ पहुंचे थे, कनेक्शन से हम पहुंच गए थे स्टेटमेंट्स पे. हम स्टेटमेंट कौन सी यूज करें, सिंपल स्टेटमेंट. तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे यूज करेंगे कि स्टेटमेंट एसटीएमटी इज इक्वल टू कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट. ये लाइन है जिसकी मदद से हम नॉर्मल सिंपल स्टेटमेंट बना रहे हैं. स्टेटमेंट को हम ब्रिज कहते हैं, जैसे एक प्रकार का ब्रिज, जैसे कि मेरे को एक रिवर है, उसके एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है, तो आई नीड अ ब्रिज. अगर ब्रिज ही नहीं होगा तो मैं डेटा कैसे ट्रांसफर करूं, मैं आऊं जाऊं कैसे. तो ये वो तरीका होता है जिसकी मदद से हम डेटा पहले ट्रैवल कराते हैं, इधर ए से बी और बी से ए. ठीक है, तो स्टेटमेंट एसटीएमटी. अब क्या है कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ये हमारा सिंटेक्स होता है. फिर क्या होगा, रिजल्ट सेट आरएस. ये आरएस इज द रिजल्ट सेट, एक क्लास होती है आरएनएस कैपिटल. अब ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर बना है वो नीचे यूज हो जाएगा. एसटीएमटी यहाँ यूज हो तो यहाँ यूज हो जाएगा. फिर एग्जीक्यूट क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी. तो उसके बाद क्या होगा, आप जो भी आपको क्वेरी चलानी है, आप सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलएन, आप आरएस में सारा रिजल्ट आ चुका है. आरएस डॉट गेट इंट, अगर आपका इंटीजर फॉर्मेट में है तो गेट इंट, स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो गेट स्ट्रिंग, फ्लोट है तो गेट फ्लोट, ऐसे करके हम जो भी हमारा है वैल्यू वो प्रिंट होगा. फिर हम कनेक्शन क्लोज करते हैं. जस्ट रिपीट इट अगेन. वो क्या कहता है, देयर आर 6 और 7 स्टेप्स फॉर दिस. ठीक है, सबसे पहले कहता है क्लास डॉट फॉर नेम, यहाँ पे हम ड्राइवर मेंटेन करते हैं, कौन सा ड्राइवर ले रहे हो, क्लास डॉट फॉर नेम. ठीक है, फिर हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे. कनेक्शन के साथ ड्राइवर मैनेजर साथ चलेगा, तो कनेक्शन के साथ हम क्या लिखेंगे, कनेक्शन कौन, ड्राइवर मैनेजर और गेट दी कनेक्शन. और जो कनेक्शन है बड़ा, उसमें से टेबल कौन सी है, डीएसएन, वो टेबल स्पेसिफाई करेगा. फिर जो कनेक्शन आपने मेंटेन किया कौन, वो ऑब्जेक्ट यहाँ यूज होता है. ठीक है, क्योंकि इसके बिहाफ पे चल रहे हो. फिर आप स्टेटमेंट बनाते हो कि वो रास्ता, ब्रिज बनाओगे आप, स्टेटमेंट एसटीएमटी इक्वल टू कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट. अब आपका स्टेटमेंट बन गया, अब आपका रास्ता बन गया, अब आप उस रास्ते से ही आओ जाओगे. ठीक है, ये रास्ता आपके लिए बनाया गया. फिर आप क्या करोगे, जो आपका रिजल्ट सेट, आपको पता है वीपी में होता है, जैसे इसे
हम वीवी में, जैसे इसने लिखा है कि हम इसे रिकॉर्ड सेट भी कहते हैं वीवी में, ठीक है। तो रिजल्ट सेट जावा में होता है, रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट करी, फिर यहाँ एग्जीक्यूशन चलती है। फिर आपके पास इसको दिखाने का तरीका होता है, जैसे आर एस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि रिजल्ट रिजल्ट सेट में सारा रिजल्ट भर गया ना, क्योंकि रिकॉर्ड सेट वीवी में है तो यहाँ रिजल्ट सेट है, तो आर एस में सारा रिजल्ट भर गया। उसके बाद आप इसे प्रैक्टिकली यूज करो। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस गो वन बाय वन। ही सेज कुछ प्रोग्राम हमने किया, इम्पोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, वी हैव टू यूज इट, ठीक है। हमने क्रिएट टेबल कोई क्लास ले ली, मेन बनाया। अब ट्राई कैच हम इसमें जरूर लेंगे, क्योंकि बिना ट्राई कैच के हमारे प्रोग्राम्स में एरर आ सकते हैं। अगर हम देखो कौन कौन से कैच है, एक है एसक्यूएल एक्सेप्शन क्लास ली है, एक क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्लास ली है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेट्स जस्ट लीव इट, क्योंकि हमारा मेन फोकस इसको समझना है। हमने कहा क्लास डॉट फॉर नेम, हमने ये ड्राइवर ले लिया। कनेक्शन कौन लिया, कनेक्शन कौन में ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन, हमने कनेक्शन ले लिया। ये यूजर नेम पासवर्ड होते हैं ओरेकल के, होपफुली यू नो दैट, बहुत लोग डीबीएमएस सेकंड सेमेस्टर में करते हैं ये चीज, ठीक है। अब फिर क्या किया हमने, स्टेटमेंट एसटीएमटी इज इक्वल टू कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, क्योंकि जो यूज हुआ है ना सेकंड, वो यहाँ पे यूज हुआ, हमने ब्रिज बना लिया। फिर वो जो एसटीएमटी यूज हुआ है ना, स्टैट, ये जो स्टेटमेंट है, अब हम उन्हें यूज करेंगे ना। लेट्स सी कैसे। हमने एक क्वेरी लिखी, क्रिएट टेबल T1 RNO नंबर 2 STD वेर कैर 2 एंड 20। मतलब क्या है इसका, कि हम क्रिएट टेबल, हम सबसे पहले DBMS में टेबल क्रिएट करते हैं, तो टेबल क्रिएट करो जिसका नाम T1 है, उसका टेबल जो RNO है वो कॉलम 1 है, STD नेम उसका कॉलम 2 है। अब जब आप टेबल मेंटेन करोगे तो उनके डेटा टाइप्स भी देने पड़ते हैं, तो नंबर आपको पता है उसका डेटा टाइप है, ऐसी वेर कैर 2 यहाँ उसका डेटा टाइप है, 2 उसकी डायमेंशन है, यहाँ 20 उसकी डायमेंशन है, ठीक है। तो ये सब आप सीख कर आए हो सेकंड सेमेस्टर से। तो क्रिएट टेबल ये जो है कोई डिफिकल्ट सिंटेक्स नहीं है, T1 उसका नाम है, RNO STD नेम उसके फील्ड नेम है, मतलब कॉलम नेम है, नंबर 2 और ये वेर कैर 2 20 उसकी डायमेंशन है। अब ये पूरी की पूरी क्वेरी हमने एसटीआर में डाल दी, ये पूरी स्ट्रिंग बना दी। अब क्या होगा, अपडेट कर दो आप स्टैट, ये स्टेटमेंट क्या थी, स्टेट स्टैट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट एसटीआर, मतलब आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया आपने। ये दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल या API जिसमें हम एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी लगाते हैं जावा की मदद से। अब ये क्या हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगी क्वेरी, तो जैसे ही हम एसटीआर करेंगे वो पूरी की पूरी क्वेरी चल पड़ेगी और टेबल हमारी बन जाएगी। दिस इज वन ऑफ द वन वे, ठीक है। अब फिर वो कहता है, ये वाला एग्जाम्पल था क्या, टेबल बनाने का, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो, इंसर्ट करो, क्योंकि टेबल बनाओगे फिर इंसर्ट करोगे, तो फिर आपने कहा एसक्यूएल स्टार लगाया, इंसर्ट टैब मेन खोला, रिजल्ट सेट हमने ऊपर बना दिया, अंदर भी ले सकते हैं, क्लास डॉट फॉर नेम, वही स्टेटमेंट्स दोबारा चलेंगे। आई एम यूजिंग इट ताकि आपको ये रिपीट हो जाए, याद हो जाए। क्लास डॉट फॉर नेम बनाया, पूरा पाथ लिखा, कौन सा कनेक्शन ले रहे हो, कनेक्शन कौन, ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन, उस कनेक्शन के साथ खोल दिया उसे ड्राइवर मैनेजर के साथ, स्टेटमेंट बनाया, सिंपल स्टेटमेंट यूज करें, क्रिएट स्टेटमेंट। अब आपने अब टेबल को भरने का काम करोगे, तो आप क्या यूज कर रहे हो, क्योंकि अब आप देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वो रास्ता ब्रिज है आपका, तो ब्रिज से ही आओगे, ब्रिज से ही जाओगे, तो अब आप ब्रिज कौन सा है आपका, स्टेट, क्योंकि स्टेटमेंट है ना वो आपका, ये ब्रिज है। तो अब क्या होगा, इसी को ऑब्जेक्ट यूज करके एग्जीक्यूट अपडेट, इंसर्ट इन टू T1 वैल्यू 20, स्मिथ, मतलब आप याद करो ये वैल्यू हमारी नंबर थी, ये वैल्यू हमारा नाम था, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ मेंशन किया था कि हमारा ये रोल नंबर है और ये हमारा नाम है, ठीक है। स्टैंडर्ड नेम ले लो या किसी पर्सन का नाम ले लो, तो यहाँ पे वो देखो सारी ये चारों लाइनें सेम है कि इंसर्ट इनटू T1 वैल्यू 22K, इंसर्ट इनटू T1 23 एंड सो ऑन। ये सारे रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो जाएंगे, फिर एग्जीक्यूट अ क्वेरी कर दो और उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1। अब आप इसको लेना चाहते हो, देखना चाहते हो, अब आपने ये चीज तो डेटाबेस के अंदर गई, अब आप ये चीज अपने एंड पे देखना चाहते हो तो कैसे देखेंगे, सॉरी। तो इसके लिए क्या क्वेरी है, स्टैट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1। अब आपने सारा का सारा रिजल्ट उठाया और किसमें डाल दिया, रिजल्ट में। अब रिजल्ट कौन है, रिजल्ट एक रिजल्ट सेट होता है। यहाँ पे रिजल्ट सेट हमने डिस्कस किया था, एक होता है रिकॉर्ड सेट जो वीवी में होता है, रिजल्ट सेट होता है जावा के अंदर, पूरा का पूरा रिजल्ट अपने अंदर उठा लेगा। इट्स जस्ट लाइक अ बैग, पूरा का पूरा रिजल्ट अपने अंदर उठा लाया ये। अब आप पूरा का पूरा बैग तो नहीं देखोगे ना ऐसे, क्योंकि बैग में सारा रिजल्ट है, तो कैसे जावा दिखा, जावा में कैसे देखोगे आप, तो कैसे देखेगा। अब उसने इसको आइटरेटर कहते हैं, आइटरेटर का मतलब होता है लाइन बाय लाइन, मतलब यू नो एक एक रिकॉर्ड रो बाय रो, जिसे टपल बाय टपल कहेंगे। तो रिजल्ट डॉट नेक्स्ट मतलब एक एक उठा, एक एक का रिजल्ट उठाओ और चेक करो। तो रिजल्ट डॉट नेक्स्ट कब तक चलता रहेगा, जब तक कि स्टार खत्म ना हो जाए, मतलब अगर मैंने 10 लोगों का रिजल्ट आया तो जब तक सारे के सारे खत्म नहीं हो जाएंगे ये चलता रहेगा इससे इन दी लूप, ठीक है। अब SOP चलाया, अब देखो क्या, रिजल्ट डॉट गेट इंट 1, दिस इज 1 नॉट आई, तो मतलब क्या,
पहले वाले का रिजल्ट प्रिंट करो, सेकंड वाला गेट स्ट्रिंग है ना, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं सेकंड कॉलम, तो गेट इंट और गेट स्ट्रिंग, क्यों? क्योंकि पहले वाला इंट था, सेकंड वाला स्ट्रिंग है, तो गेट इंट में पहला वाला वन है और फिर ये सेकंड वाला टू है, तो ये इस तरीके से प्रिंट करता रहेगा। ये जावा में प्रिंटिंग करने का काम करेगा, कैसे करेगा, ठीक है? तो यहाँ इस पूरे एग्जाम्पल में हमने पहले इंसर्ट कराया है, फिर उसको फेच कराया है, फिर उसे प्रिंट कराया है। तीसरे एग्जाम्पल में व्यूइंग रोज फ्रॉम अ टेबल, ऑल्दो हम व्यू कर चुके हैं, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड अगेन। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार, ये एसक्यूएल स्टार ले लिया, यूआरएल हमने यहाँ खोल दिया, हम यूआरएल नीचे भी ले सकते हैं, जैसे क्या है मतलब मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आते सीधा ट्राई कैच में, क्लास डॉट फॉर ने ये हमने दिया, कैच के अंदर उसने इस तरह के क्लास नॉट फाउंड, अगर एरर आती है तो उसने कैच ऊपर दे दिया, चाहो तो आप नीचे भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जो मेन पॉइंट है ना, मैं इस पे आ रही हूँ सीधा। उसने कहा कौन, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन कौन ऊपर बन चुका है, जस्ट लाइक दैट, यहाँ कनेक्शन कौन बन चुका है, तो उसने कहा कनेक्शन कौन, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ना यूआरएल क्या है, यूआरएल जैसी कौन सी चीज हमने पहले पढ़ी नहीं, अब यूआरएल कहता है जेडीबीसी ओडीबीसी नितिन, ऑलरेडी आप ये चीज यहाँ पे पढ़ चुके हो। यहाँ पे हम ये चीज ऊपर हम लिखते आए, हम यहाँ पे देखो ऊपर हम बना के फिर यहाँ कॉपी पेस्ट करें, या एक वेरिएबल में डाल के फिर कॉपी पेस्ट करें, हार्डली मैटर्स, तो ये भी एक तरीका होता है। अब वो कह रहे स्टेटमेंट, एसटीएमटी कहाँ है, STMT, ये सारे वेरिएबल ना इसने इस बार ऊपर बना दिए, तो STMT ऊपर ले लिया, STMT में फिर कहेगा कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, एज यूजुअल वैसे ही है जैसे चल रहा था। फिर रिजल्ट सेट में ले लिया STMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। अब ये एस क्या है, एस में कहाँ से आया, नाउ वेयर इज द एस, नाउ सी एस यहाँ पे है, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ए एम्प्लॉय, मतलब आप सारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में से क्या निकाल के लाओ, ई नेम। आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर टू की तरह कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर थ्री आपको एक तरीका बता रहा है कि दिस इज अनदर वे, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि हमने इसको इस तरह क्यों किया। आप वैसे कर सकते हो जैसे क्वेश्चन नंबर टू हमने शो किया है, आपने एस लिया सिलेक्ट, हमने क्या शो किया है, इसमें ई नेम शो किया है, सारे एम्प्लॉय के में से ई नेम निकाल के लाओ। तो ये जैसे ही एग्जीक्यूट अपडेट एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे हम, अब सारे के सारे रिजल्ट किस में आ रहे, आरएस में उठ के। अब आरएस के पास पूरा बैग है, अब ये कब तक चलेगा, आइटरेटर, आइटरेटर है ये कलेक्शन फ्रेमवर्क का एक मेथड होता है, इज अ क्लास फुल फ्लेज क्लास, तो आइटरेटर पूरा चलाएगा, इसके पास पूरा बैग है, कब जब तक चलेगा जब तक पूरा बैग खत्म नहीं हो जाएगा। अब ये क्या लेकर आया है, नेम्स, तो क्या निकालेंगे, आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, क्या दिखा रहा है, ई नेम, ई नेम बस इम्प्लॉय नेम आपने अपनी इंग्लिश में लिखा, और यहाँ जो भी आंसर आया वो किस में डाला, S1 S1 यहाँ प्रिंट करा दो। सो दिस इज यू नो वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं। अब क्या है, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पेपर में बहुत फेमस है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड कॉलेबल स्टेटमेंट। कॉलेबल स्टेटमेंट जनरली हम तब यूज करते हैं जब हमको फंक्शंस यूज करने होते हैं, जिसे आप प्रोसीजरल एसक्यूएल में यूज कर सकते हो, PL SQL जिसे कह सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हमारी थोड़ी सी यू नो 1 2 3 फॉर्मेट में हमें लेना हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं शो करती हूँ, मैं आपको यहाँ पे है, ठीक है, इसने कहा यही पूरा एग्जाम्पल लिया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट फॉर इंसर्टिंग द रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा क्लास डॉट फॉर नेम ले लिया, कनेक्शन कौन, ये पूरा खोल दिया प्रिपेयर। अब यहाँ देखो, अब हमने स्टेटमेंट नहीं लिया, वी आर यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, फिर हम कह रहे हैं कौन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। अब देखो क्वेरी क्या, इंसर्ट इन टू EMP वेयर वैल्यूज आर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। नो, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग तरीका होता है, एक होता है स्टेटमेंट, एक होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हमने क्या लिया, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, जबकि पिछले केस में हम क्या ले रहे थे, उनका वेरिएबल नेम, उनका नाम, उनके डोमेन और उनके डेटा टाइप्स की स्पेसिफिकेशंस है ना, जहां हमने लिया था एसटीडी नेम, वेर कैर टू वगैरह। अब क्या क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, अब कह रहा है हमने इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के लिए हमें नहीं पता वैल्यू क्या है इस लाइन तक, तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे। देखो रास्ता हमारा कौन है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो वेरिएबल का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, STMT। अब STMT में देखो क्या, सेट द इंट, दिस इज अनदर वे, और पहला वाला है हमारा इंटीजर, क्योंकि हम शुरू से इंटीजर लेकर चल रहे हैं, दूसरा था सेट स्ट्रिंग। तो 1 एंड 2, ये जो वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, 1 रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट कॉलम, सेकंड रिप्रेजेंटिंग सेकंड कॉलम। नाउ सी, ये लिखा है 1 स्पेसिफाइंग द फर्स्ट पैरामीटर इन द क्वेरी, तो फर्स्ट कॉलम में क्या डालो, 101, सेकंड कॉलम में क्या डालो, रतन, दिस इज द मीनिंग, ठीक है, इस तरीके से। फिर वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट अपडेट, इस क्वेरी को अपडेट कर दो, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, फिर ऊपर जाएगा, फिर कहेगा क्या वैल्यू डालनी है, फिर यहाँ पे आप उसे चेंज कर दो, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड तो अपने आप ही, कॉलम तो आपका वही रहने वाला है ना, ठीक है, कि फर्स्ट में आप क्या डालो। अब आप इसको लूप में डाल सकते हो, जैसे 101 हर बार नहीं हो सकता, तो आप इसको लूप में डाल दो कि नेक्स्ट टाइम 102 हो जाए ऑटोमेटेड, नेक्स्ट टाइम नाम जो है वो कुछ और हो जाए। सो दिस इज अनदर वे, ठीक है। अब जैसे इसने यहाँ लिया है सेट स्ट्रिंग सेट एंट है ना, दिस इज अनदर वे, ठीक है। सो
नेक्स्ट इसमें इसी के अंदर आई विल बी शेयरिंग विद यू द डिफरेंस बिटवीन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड कॉलेबल स्टेटमेंट ओवर द गूगल क्लासरूम एंड योर एक्स आप लोगों को एक क्वेश्चन है ड्राइवर्स इन जावा, ठीक है? सो यू हैव टू परफॉर्म इट एंड दिस इज आई मीन वी हैव टू मेक द लास्ट असाइनमेंट ऑफ जावा विच इज द असाइनमेंट 4. आपको उसमें इस क्वेश्चन को आंसर देना है, ठीक है?